उत्तराखंड में युवाओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिनिस्ट्री जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस सीपीआई जांच की मांग कर रही है। लेकिन वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है और उत्तराखंड के युवाओं के बहाने राजनीति करना चाहती है। उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा कानून है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेकर आए हैं, जो नकल विरोधी कानून को सख्त बनाएगा और इससे आगे चलकर युवाओं को लाभ मिलेगा। कोई भी नकल कराने वाला गिरोह या व्यक्ति नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस कानून के अंदर 10 साल की सजा और इसके साथ ही 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कह रहे थे उत्तराखंड के अंदर जो नकल का हमेशा कोई चर्चाओं विषय रहता था, उसको समूल नष्ट करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय राज्यपाल जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उत्तराखंड देश के अंदर उत्तराखंड में सबसे सख्त कानून ये हुआ है, इसमें 10 करोड़ तक की एक प्रकार से जुर्माना रखा गया है और आजीवन कारावास का इसमें विकल्प प्रावधान है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक स्वागत योग्य विषय, खासतौर पर जो युवाओं के अंदर भ्रांति खड़ी होती थी सब परीक्षाओं को लेकर, आज मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसके बाद एक युवाओं के अंदर नया उत्साह खड़ा होगा। अब प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष